आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक जो कि है बेल का शरबत। तो गर्मियों के मौसम में इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये बॉडी को बहुत रिफ़्रेश रखती है और ठंडक पहुँचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक बेल का फल ले रही हूँ। इसको तोड़ लेंगे किसी भी भारी चीज़ से और इसके अंदर का जो पल्प है वो हमें अच्छे से निकाल लेना है। किसी भी चम्मच से आप इसका पल्प जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और जो बाहरी परत है हार्ड वाली उसे हम हटा देंगे, वो किसी काम का नहीं होता, तो उसे फेंक दें। और इसी तरीके से बिल्कुल जैसे मैं चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ, आपको जो भी जिस चीज़ से भी सहूलियत लगे आप उससे इसको इसके सारे पल्प को एक्सट्रैक्ट कर लेना और पानी में रख लेना। तो गर्मी के मौसम में ये जो बेल का फल होता है ये बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, तो आप मार्केट से इसे ला सकते हो। मेरी मम्मी अभी गाँव से आई थी तो वो ढेर सारा ये बेल लेकर आई थी। ये ड्रिंक इतनी रिफ्रेशिंग और इतनी यम होती है कि मैं श्योर हूँ कि आप इसे ऑलमोस्ट डेली ही बनाओगे और सब लोगों के साथ इसे शेयर करोगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बेल का सारा पल्प निकाल लेना है और हाथ की मदद से इसे अच्छे से मसल मसल कर इसके बीज को और पल्प को पानी में मिला लेना है। जिस तरीके से हम इमली को मिलाते हैं उसी तरीके से इस बेल के पल्प को हमें अच्छे से पानी में मसल करके मिला लेना है। और आप चाहो तो यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मिक्सर ग्राइंडर में ये होता है कि इसमें एक करवाहट आ जाती है क्योंकि मिक्सी में पीसने से इसके जो बीज होते हैं वो भी पिस जाते हैं, जिससे कड़वाहट आ जाती है शरबत में। तो हाथ से ही इसे मसल कर पल्प को अलग कर ले और फिर एक छन्नी की मदद से हम इसे अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसका बीज जो है वो अलग हो जाए और हमें जो रियल पल्प की ज़रूरत है बेल की वो अलग हो जाए। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप छन्नी की मदद से इसको मिलाते हुए आप इसका बीज अलग कर ले और इसको छान करके अलग कर ले। ये देखिए ये जो पार्ट है इसे अब हमें फेंक देना है, इसका कोई यूज़ नहीं है। और उसके बाद जो बेल का शरबत है वो हम इस पल्प से बनाएंगे। तो हमारा पल्प यहाँ तैयार है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी चीनी। चीनी आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप आइस। आइस डालने से जो एक ठंडक होती है वो आती है। आप इसमें चाहो तो पुदीने का पत्ता भी ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पुदीने का पत्ता ऐड नहीं कर रही। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसिल सीड्स, जिसे सब्जा का बीज भी बोलते हैं। इसे मैंने 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा था और इसे भी हम अच्छे से शरबत में मिला लेंगे। जो बेसिल सीड्स होते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो गर्मियों के मौसम में आप ज़रूर से इसे मंगाएं और किसी भी ड्रिंक के साथ आप इसे यूज़ करें। अब मैं यहाँ 2 ग्लास ले रही हूँ। इसमें जो हमारा ड्रिंक बनकर तैयार है उसे पोर कर देंगे और बस हमारा बेल का शरबत यहाँ रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर एक बार बनाएं अपने घर में और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए।